लॉकडाउन में नरमी के बाद पंजाब हुकूमत का एक और बड़ा फैसला। कोरोना के मरीजों को सेल्फ आइसोलेशन की इजाजत दे दी। सेल्फ आइसोलेशन कमेटी की इजाजत से मशरूर अर्बन यूनियन काउंसिल में 3 कमेटियां कायम की जाएंगी। हर कमेटी में एक डॉक्टर शामिल होगा। रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग होगी। कवायद जवाबत की तफसीलात के नोटिफिकेशन जारी। कोरोना के सेहतिया मरीज के प्लाज्मे से मुतासरा मरीज के इलाज में अहम पेशरफ। गुज़श्ता रोज सिटी न्यूज नेटवर्क के प्रोड्यूसर सैयद असद नदीम के मरीज को दिए गए प्लाज्मे ने काम कर दिखाया। मुतासरा मरीज की तबीयत संभलने लगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से सैयद असद नदीम को खराज तहसीन पेश। कोरोना से सेहतिया मरीजों को प्लाज्मा अतिया करने की अपील। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी और काफी क्रिटिकल साइट पे जा रहे थे, तो जैसे कल आपने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया सिटी 42 से, आपने परसों बल्कि आपने अनाउंस किया कि जो डोनर्स हैं जो हील हो चुके हैं, जिनको अल्लाह मियां ने सेहत दे दी है, कोरोना की वबा में मुबतला रहे हैं और वो उनको 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं और वो कोविड नेगेटिव भी हुए हुए 2 हफ्ते हो गए हैं, तो वो फ्रंट आगे आए और वो मिलके हम उन लोगों की जान बचा सकें, तो वो सिटी 42 के करने से उनका अपना ही कारकुन जो मुल्तान में बेस्ड है सैयद असद नदीम, वो ऑल दी वे मुल्तान से आया हमारी अपील से। उसने मेरे से बात की और वो सीधा 3-3.5 घंटे में आया और प्लाज्मा देके वापस मुल्तान चला गया। ये उसकी बहुत बड़ी काविश थी। सबसे पहले सिटी न्यूज नेटवर्क के प्रोड्यूसर सैयद असद नदीम ने अपना प्लाज्मा दिया किया। प्लाज्मा लगने के बाद मुतासरा मरीज की तबीयत संभलने लगी। वाइस चांसलर UHS डॉक्टर जावेद अकरम का सिटी न्यूज नेटवर्क और उसके प्रोड्यूसर को खराज तहसीन। कहते हैं सिटी न्यूज नेटवर्क की जानिब से बहुत अच्छा इकदाम उठाया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। निजी लैब से कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया। सरकारी लैब से टेस्ट कराने पर मुस्बत आया। डिप्टी स्पीकर कहते हैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं, चंद रोज बाद दोबारा टेस्ट करवाऊंगा। और लॉकडाउन में मजीद नरमी के बाद ताजिर 1.5 माह बाद कल दुकानें खोल सकेंगे। ताजिर हजरात ने मार्केट में दुकानों की सफाई सुथराई और तैयारी शुरू कर दी।